हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी सीवान सिंह। लेक्चर नंबर 23 आज हम शूट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 23, जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब बात तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल की, लेकिन कहाँ पर? तो वो इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द मिडवे ऑफ चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलर लाइन जो कहां से पास होती है, मिडवे से, यानी सेंटर या ओरिजिन से, ठीक है, उसको बोलते हैं व्हाट? इक्वेटोरियल लाइन। और उस इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट पर, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। मेन मुद्दे में चलते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन अगर जैसे ही मैं 2a कर दूं, ये बेटा आपका क्या बन जाएगा? डाइपोल। ठीक है, बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका ये जो सेपरेशन है, इसके सेंटर से प्लस क्यू तक का, दैट इज a। माइनस क्यू से सेंटर तक का, ये भी कितना बेटा? a। ओके, a। इस जो परपेंडिकुलर लाइन जो पास हो रही है इसके सेंटर या ओरिजिन से या मिडवे ऑफ चार्जेस से, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है P, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, मैंने सपोज किया वो कितना है, तो वो आपका है x। कितना है? x। ओके, कितना है x? आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, x डिस्टेंस पर है। तो ये अगर आपका x है, ये आपका a है, तो मैं एक ज्योमेट्री से इसको जरा समझाता हूं, जरा ब्रेक करके। इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री आपको नजर आ रही होगी, इस तरीके की। ये एंगल हमने माना कितना है? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। भी का ज्योमेट्री कैसी है? सेम है। ये भी एंगल आपका कितना है? थीटा। ये कितना है? 90 डिग्री। ये आपकी साइड कितनी है? ए। ये कितनी है? एक्स। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर। बेस कितना है? ए, तो ए स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो आपका डिस्टेंस है पी, इसको सपोज कर लो 1 एंड दिस इज चार्ज 2। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ओ ओरिजिन, ठीक है। तो पी बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, तो जो पी बी की डिस्टेंस वही पी ए की डिस्टेंस, तो ये भी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो पॉइंट पी, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, वहां पर हम ऑलवेज प्लेस कराते हैं कि टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है? प्लस क्यू नॉट। ओके, दिस इज द ऑब्जर्वेशन चार्ज। इस ज्योमेट्री को अब मैं रख कर दे रहा हूं, बिकॉज हमें PA एंड PB की वैल्यू पता चल गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जर्ट करेगा, लेकिन किधर, किस डायरेक्शन में? तो टूवर्ड्स द चार्ज। किधर लगेगा? तो टूवर्ड्स द चार्ज। ये 1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? E1। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? E1। ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, इस एक्सिस के अलोंग, कुछ इस वे से। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका चार्ज कितना है? 2। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E2। ओके, E2 यहां पर हमें फाइंड करना है। ओके,
इस वजह से कुछ। ये आपका एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। मैंने एक लाइन ड्रा किया बेटा जो इस डाइपोल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपका एंगल थीटा, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसके ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल, यानी E1 एंड E2 को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट होगा इस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा इस डाइपोल एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कि एक पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा होगा कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, पैरेलल कंपोनेंट ब्रेक करिए जरा इधर, जो थीटा के पास है वो कहां से, वही अपनी पुरानी कहानी। तो ये आपका हो जाएगा E2 sin थीटा, थीटा के पास है इधर, तो ये कितना हो जाएगा E2 cos थीटा। ओके, E1 को भी ब्रेक कर दीजिए, E1 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 sin थीटा और इधर हो जाएगा आपका E1 जो थीटा के पास है वो कहां से, तो E1 cos थीटा, ठीक है। ओके, यू आर सीइंग दैट कि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एंड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगे, उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से परपेंडिकुलर कंपोनेंट का काम खत्म, कौन सा सिर्फ केवल कंपोनेंट बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पैरेलल कंपोनेंट, और यहीं से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी, कहां पर, पॉइंट पी पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी होगी, तो ई नेट इज इक्वल टू You are seeing that बेटा कि E1 cos theta, E2 cos theta same direction में, और जब same direction में दो quantity act करें तो उनका मतलब क्या होता है, उनका दोनों का जोड़। तो यहां से हो जाएगा E1 cos theta plus E2 cos theta, E2 cos theta, E1 and E2 find out कर लेते हैं। तो E1 is the electric field due to the negative charge of the dipole and E2 is the electric field due to the positive charge of the dipole. तो यहां से electric field due to negative charge of the dipole. Okay? Dipole, negative charge की वजह से electric field E1. से वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन बीच का सेपरेशन, तो √x² + a² के अंदर, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Due to positive charge of the dipole, ये कितना है, positive charge की वजह से electric field E2, तो we can write E2 is equal to 1/4πε0 Q upon √x² + a² का whole of स्क्वायर। ओके, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की वैल्यू यहां पर पुट करनी पड़ेगी। यहां पर एक और फैक्टर है cos थीटा, cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम वही ज्योमेट्री यूज करेंगे बेटा, ठीक है, ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका एंगल कितना है थीटा, ये साइड कितनी है a, ये कितनी है x, और ये साइड कितनी है x² + a²
कॉस थीटा इसका लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा इधर, तो यहां से इसकी वैल्यू नोट कर दीजिए और मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं, ठीक है आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। तो यहां से हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू E1 का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा, cos थीटा cos थीटा कॉमन है, कॉमन है तो बाहर कर देंगे, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू कितना है a अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू है इधर से बेटा a अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके यहां से वी कैन राइट E नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको सीधा डायरेक्ट लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a, तो q a तो 2 q a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसकी होल पावर कितना होगा 1, इसकी भी होल पावर 1 और अंडर रूट का मीनिंग पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 इसको आप क्या लिखेंगे बेटा सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए 3/2, ओके 3/2, वी नो दैट कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है q into 2a, तो यहां से q into 2a रिप्लेस हो जाएगा, तो इसकी जगह पर आप रिप्लेस कर देंगे डाइपोल मोमेंट से, तो यहां से हम लिखेंगे बेटा इधर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इधर e net इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल पावर 3/2, ओके जनरली होता ये है कि जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस इस डाइपोल से काफी दूर होगी, काफी दूर का मतलब क्या है, काफी दूर का मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो मीटर आर किस में होगी, सेंटीमीटर में, जबकि डाइपोल लेंथ होती है वो माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में गिवन होती है, तो x हमेशा क्या होगा, x हमेशा a से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं और a का स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू द a स्क्वायर, कैसे सर समझाइए, तो ऐसे बेटा कि अगर x की वैल्यू अगर 1 अगर 2 मीटर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का स्क्वायर तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इसका स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर, तो यहां से 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर, तो यू आर सीइंग दैट इसकी वैल्यू और कमजोर होती जा रही है और डिक्रीज होती जा रही है, जबकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है और डिक्रीज हो रही है, क्या करने से स्क्वायर करने से, तो इसी वजह से हम बोलेंगे बेटा कि a स्क्वायर इज टेंडिंग टू 0, तो इसको क्या करने पर नेगलेक्ट करने पर, क्या करने पर नेगलेक्ट करने पर, कर दो बेटा नेगलेक्ट, ओके नेगलेक्ट कर दो, कैसे करेंगे देखो इधर जरा, तो यहां से e net इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन a स्क्वायर को नेगलेक्ट किया तो x स्क्वायर की होल पावर 3/2, स्क्वायर से पावर 1/2 कैंसिल आउट, तो e net इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन कितना हो जाएगा x क्यूब, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, या यू कैन से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन किधर होगा इसको समझ लीजिए, जो e1 cos थीटा एंड e2 cos थीटा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होगा, और ये जो डायरेक्शन है ये डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट है। इधर क्या था माइनस क्यू, ऑलवेज डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किसकी किधर है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी डायरेक्शन वो किधर होगी, वो होगी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बेटा, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म भी कमजोर नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन उससे भी पूछ लिया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इधर ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ओके, ये कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर कर लीजिए। इन दो डेरिवेशंस में, प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने डेरिवेशन कराया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों में से कोई ना कोई डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।